ध्यान दें, कार दुर्घटना में महिला का केवल सिर ही बचा है, क्योंकि उसके पास एक पति है जो एक कुशल डॉक्टर है। वो अपने पति के सिर को जीवित रखने के लिए विशेष सीरम और उपकरणों का उपयोग करता है, लेकिन केवल 48 घंटों के लिए। केविन के पास अपनी पत्नी के लिए एक नया शरीर खोजने के लिए 48 घंटे हैं। अपनी पत्नी को जीवित रखने के लिए केविन एक बार में चला गया, जहां उसकी पत्नी के सिर के लिए बहुत सी सुंदर और सेक्सी महिलाओं के विकल्प है। केविन ने जल्द ही एक अच्छे शरीर के साथ एक महिला पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो उसे एक हॉस्टल में ले गया। महिला की पीली त्वचा और सेक्सी शरीर को देखते हुए केविन बहुत संतुष्ट था, लेकिन बातचीत के दौरान उसने पाया कि महिला एक व्यवसायी औरत थी। इस गंदे शरीर को कभी भी अपनी पत्नी में ट्रांसप्लांट नहीं करेगा। इसलिए केविन गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वो गाड़ी से घर जा रहा था। सारी महिलाएं उसे शक की निगाह से देख रही थी, इसलिए महिला ने अपनी गति बढ़ा दी। उसने सोचा कि केविन एक ठगी आदमी है। केविन के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर वो एक मॉडलिंग शो में आया। कास्टिंग शो के मॉडल में यहाँ बहुत अच्छे शरीर थे। केविन ने सोचा कि यह वही नहीं है जो केविन को चाहिए थी, इसलिए वो बैकस्टेज एक मॉडल के पास गया जो अपने फोटो खिंचवा रही थी। महिला का शरीर पूरी तरह से ठीक था, लेकिन उसके चेहरे के बाईं ओर एक बदसूरत निशान था। आमतौर पर वो अपने बालों के साथ इसे कवर करती है। केविन ने उसे झूठ बोला और उसे बताया कि मैं एक